द साइंस हैज इवॉल्व्ड, नए नए इक्विपमेंट आ गए हैं, मेडिसिन नई नई आ गई हैं, सर्जरी के तरीके नए नए आ गए हैं, बहुत एडवांसमेंट हो चुका है। प्लीज किसी को भी ब्रेन ट्यूमर हो गया इसके लिए उसे मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। Watching the Good Health Show, and today we are going to talk about a very critical topic, brain tumor. And for that, we have Dr. Anshul with us. So, hi, hello, sir. How are you? I'm good, sir. Sir, brain tumor एक ऐसी critical problem है कि अगर कोई भी इंसान इसको सुनता है, तो सबसे पहले ये thought आता है कि भगवान जी बस हमें कभी ना हो। And ये इतनी problematic situation बन जाती है कि इंसान समझ नहीं पाता है कि situation में करे तो करे क्या। डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले भी उसको समझ नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम जो हो रही है ये सच में ब्रेन ट्यूमर है ये क्या है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है ब्रेन ट्यूमर को लेकर वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ब्रेन ट्यूमर हो गया है। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर? जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस शो पे बुलाया। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ब्रेन ट्यूमर सुनते ही हर इंसान घबरा जाता है, उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। सो बहुत बहुत ज़रूरी है कि लोग अवेयर हों इस बात से कि एक्चुअली होता क्या है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो प्रेजेंट करेंगे हमारे पास, जो आएंगे, वो या तो उनको सर दर्द होगा बहुत ज़्यादा या फिर उनको दौरा पड़ेगा। ये दो चीज़ें हैं जिनसे जनरली ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट। तो इससे मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट सबसे ये होती है कि अगर आपको बहुत दिनों से सर दर्द चल रहा है जो कम नहीं हो रहा, या आपको दौरा आ गया है, तो आपको प्लीज़ एक स्कैन कराना चाहिए, MRI या CT स्कैन, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ब्रेन ट्यूमर है या नहीं। ओके सर, ऐसा कौन सा वार्निंग साइन होता है कि हमें उस टाइम पता लग जाता है कि ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? लाइक जैसे आपने बोला कि हेडेक होता है या फिर दौरा आता है, तो वो कितने टाइम तक परसिस्टेंटली होता रहता है? सरदर्द जैसे नॉर्मल इंसान को एक सरदर्द होता है तो वो एक पेन किलर खाता है तो वो ठीक हो जाता है, या फिर अगर किसी को माइग्रेन हो रहा है तो वो जल्दी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। पर इन पेशेंट्स को सरदर्द हफ्तों के से चल रहा होता है और बढ़ता रहता है और फिर उनको वॉमिटिंग्स भी होने लग जाती हैं, आँख की रोशनी खराब होने लग जाती है। अगर आपको सरदर्द है और आपकी आँख में धुंधलापन आने लग गया है तो आप प्लीज़ बी श्योर कि आपको कुछ होता है। दौरा तो मुझे लगता है कि दौरा तो कभी भी आएगा तो इंसान को एक स्कैन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि दौरा तो मतलब है कि ब्रेन में कुछ तो होगा। सर, मैं जानना चाहूंगी कि ब्रेन ट्यूमर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, मगर एक मरीज अगर मुझसे पूछता है कि डॉक्टर अंजुल मुझे ये क्यों हो गया, तो इसका हमारे पास एक्चुअली कोई जवाब नहीं होता। बिकॉज कोई कहता है कि जी जेनेटिक की वजह से है, कोई कहता है म्यूटेशन हो जाती है जीन्स में उससे होता है, कभी कभी रेडिएशंस के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया जाता है कि फोन रेडिएशन ये रेडिएशन इससे हो रहा है, बट एक्चुअली देयर इज नो नोन कॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ओके, तो अगर हम रीजंस सोचें कि हमें इन इन चीजों से बचना चाहिए ब्रेन ट्यूमर ना हो, तो ऐसा एग्जैक्टली अगर आप ये कहें कि पेशेंट्स के रिलेटिव्स कहते हैं डॉक्टर साहब इन्हें तो हो गया हमें ना हो, तो हम क्या करें, तो एक्चुअली हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं बताने को कि आप क्या ना करें। ओके, तो ये कभी भी हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। अगर आप एज की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसमें ये ब्रेन ट्यूमर ज्यादा देखा जाता है, या फिर ये किसी भी एज को हो सकता है? So, मैं आपको एक इसका अलग तरह से आंसर देना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर्स तो किसी भी एज में हो सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, लेकिन जब आप 45-50 क्रॉस कर जाते हैं तो जब ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादातर खतरनाक होते हैं। सो ब्रेन ट्यूमर्स सारे के सारे ऐसे नहीं होते कि जो जानलेवा होते हैं, उसमें से बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होंगे जो एक बार सर्जरी करने के बाद कभी दोबारा नहीं होते और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो जो आपका ट्यूमर आने का चांस होता है ब्रेन में वो जनरली खतरनाक वाला होता है। सो जो सबसे खतरनाक ट्यूमर जो 50-55 साल के ऊपर देखा जाता है, उसके एक्चुअली एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर्जरी और रेडिएशन के बाद भी 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं होती, इवन आफ्टर व्हेन यू डू एवरीथिंग। सो इसलिए आ तो ये कभी भी सकता है, बच्चों को भी होता है, एक्चुअली बच्चों में भी बहुत कॉमन है ब्रेन ट्यूमर, पर बच्चों के ट्यूमर्स जनरली सर्जरी के बाद ठीक हो जाते हैं, बड़ों के मुश्किल। अगर सर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स को,
कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया तो क्या क्या रिस्क उससे एसोसिएटेड है? ओके, सो ब्रेन ट्यूमर होने से एक तो रिस्क ये होता है कि ब्रेन में अलग अलग एरियाज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस ब्रेन को देखें तो इस ब्रेन में कहीं पे बोलने का हिस्सा है, कहीं पे हाथ पांव है, कहीं पे देखने का हिस्सा है, कहीं पे सुनने का हिस्सा है। सो ब्रेन डिवाइडेड है अलग अलग एरियाज में, डिपेंडिंग ऑन आपका ट्यूमर ब्रेन के किस एरिया पे हो रहा है तो उस एरिया का डेफिसिट आपको आएगा। अगर आपके हाथ पैर के एरिया में हो रहा है तो वहां कमजोरियां लग जाएगी, बोलने के एरिया में तो स्पीच का दिक्कत हो जाएगा। इसी तरह से जब आप ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कराते हैं तो जिस एरिया का ट्यूमर होता है उसी एरिया का डैमेज होने का चांस हो सकता है, तो वही कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को भी होता है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स भी फिर डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ ब्रेन। जी 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 बिल्कुल। सो कई बार ऐसा होगा कि पेशेंट हमारे पास आएगा, उसको थोड़ा बहुत सरदर्द होगा मगर उसका एक हाथ कमजोर हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हाथ वाला एरिया है वहां कुछ हो रहा है। सो दैट इज हाउ वी रिलेटेड। ओके, अगर बात करें कि अर्ली डिटेक्शन की, कि कितनी जल्दी अर्ली डिटेक्ट करने से ब्रेन ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम को संभाला जा सकता है? सो अगेन फिर मैं वही बात कहूंगा, आपको कभी भी दौरा आए पर आपको कभी भी एक सरदर्द जो ठीक नहीं हो रहा या आपकी आंख में धुंधलापन आ रहा है, जो आंख के डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, तो वो जब डॉक्टर को दिखाएं आंख के डॉक्टर को और आंख का डॉक्टर ये कहे कि ये आंख तो सब ठीक है, हमें पता नहीं आपको धुंधलापन हो रहा है, ऐसे ही हो रहा होगा, तो वो ऐसे नहीं हो रहा, तो उसको निग्लेक्ट ना करें। लॉन्ग स्टैंडिंग हेडेक, दौरा या आंखों में धुंधलापन आना या आपके हाथ पैर का शरीर का कोई हिस्सा कमजोर हो रहा हो तो मतलब है कि आपको किसी विशेषज्ञ को देखना चाहिए। अगर आपके शहर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको थोड़े बड़े शहर में मूव करना चाहिए। आज की डेट में भी ब्रेन सर्जरीज आर अ कॉम्प्लिकेटिंग एंड डिमांडिंग चीज है जो कि थोड़ा छोटे शहरों में मुश्किल होती है, बिकॉज इसके लिए तामझाम बहुत चाहिए होता है। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज एक बार डायग्नोसिस कराने के लिए थोड़े अपने पास के बड़े शहर में जाके डायग्नोस कर लिया। जी सर, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि अगर जैसे अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, अगर किसी को जल्दी पता लग जाता है कि उनको ब्रेन ट्यूमर है तो उनके इलाज में बेनिफिट होता है? उतना ही हमारे लिए सर्जरी करना मुश्किल हो जाएगा और उतना ही उस पेशेंट को बाद में कोई डेफिसिट आने का, कोई कमजोरी आने का चांस बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको ज्यादा नसों के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे और अर्ली उसका इलाज करा लेंगे तो आप ही के लिए अच्छा है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे पता है हमारे देश में बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं एंड हर इंसान को ब्रेन की सर्जरी कराते हुए डर लगता है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो लोग बेचारे क्या करते हैं, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं, बट प्लीज़ बिलीव मी, ट्यूमर एक ऐसी चीज है जो आयुर्वेदिक और हमें ये नहीं कह रहा वो बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं, मगर कहीं जगहों पे जाके अगर मान लीजिए किसी को ऐसी चीज हो गई है, हड्डी टूट गई है, तो प्लास्टर लगाना पड़ेगा ना। अब आप आयुर्वेदिक मेडिकेशन से हड्डी नहीं जोड़ सकते। सो ब्रेन ट्यूमर्स हमने बहुत बार पेशेंट्स को खराब होते हुए देखा है, क्योंकि वो बेचारे हमारे से घबरा के चले जाते हैं, फिर वो 3 महीने बाद स्ट्रेचर पे या बुरी हालत में आते हैं, क्योंकि वो लोग बेचारे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिकेशन ले रहे होते हैं। अगर ट्यूमर है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसमें चारा होता है। ओके, तो अगर ब्रेन ट्यूमर है तो सर्जरी मस्ट है जी। अगर हम कोई और दवाई भी ले रहे हैं या फिर हम कोई और भी आयुर्वेद या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो एट लास्ट सर्जरी पर तो आना ही पड़ेगा जी। मतलब ऐसा होता नहीं कि आपके ट्यूमर गायब हो जाए, हमने तो कभी देखा नहीं होता। अगर हम सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें ब्रेन ट्यूमर की, तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ओवर द इयर्स क्या इवॉल्व हुआ है इलाज ब्रेन ट्यूमर का। जी, सो ब्रेन ट्यूमर का जैसे मैंने कहा कि मेन स्टे आज भी सर्जरी ही है जी, ठीक है। जो इवॉल्वमेंट ओवर द इयर्स हुई है वो सर्जरी करने के तरीकों में हुई है। पहले जमाने में सर्जरी करने के लिए जो इक्विपमेंट थे,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्कल को काटना पड़ता है, तो वो पहले जमाने में एक सौ होती थी, उससे कटता था, वो थोड़ा मुश्किल होता था, दिक्कत होती थी। आजकल बड़ी हाई स्पीड ड्रिल्स हैं, आप ऐसे लगा के ऐसे आराम से कट जाता है। ऑल्सो जब आप सर्जरी करते हैं तो आज आपके पास माइक्रोस्कोप्स हैं, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स हैं, तो आपको एक एक नसें अलग अलग दिखती हैं, तो आपका सक्सेस रेट सर्जरी का बहुत इंक्रीज हो गया है ओवर द ईयर्स। सो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले अगर पोस्ट सर्जरी पेशेंट के डेथ होने का या उसका हाथ पैर खराब होने का या कोई हिस्सा खराब होने का चांस जो था, आज की डेट में वो बहुत कम हो गया, बिकॉज आपके पास इक्विपमेंट अच्छे आ गए। तो मतलब हम इसे समझ सकते हैं कि अगर एडवांस हुई है टेक्नोलॉजी तो उसने काफी बेनिफिट दिया है डॉक्टर्स को भी और साथ ही पेशेंट्स को भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2002 से न्यूरोसर्जरी में हूँ, मैंने 2002 से आज 2023 हो गया है, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो माइक्रोस्कोप से क्या दिखता था और आज हमें क्या दिखता है। आज हमें बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखती है, जिसमें आप एग्जैक्टली बिल्कुल एक प्लेन के साथ उस चीज को हटा सकते हैं, और मशीन्स आ गई हैं जो एग्जैक्टली, मान लीजिए कई बार डीप है, ब्रेन के अंदर है कोई चीज, तो वो आज हमारे को ऐसी मशीन्स हैं जो हम ब्रेन के सर्फेस पे लगाते हैं, वो हमें डायरेक्ट करती हैं कि आप ऐसे जाइए, सीधा वहीं पहुंचेंगे। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो गई, एंडोस्कोप्स आ गए, दूरबीनें आ गई, अब हम बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जो हम नाक से निकाल देते हैं। सो जो ब्रेन में आगे के हिस्से के ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए सर को खोलने की जरूरत नहीं होती है, अब हम नाक से जाके, दूरबीन होती है पतली सी, जैसे मान लीजिए मेरा पेन है, इससे भी पतली दूरबीन होती है, तो वो हम नाक से जाते हैं और अंदर से ही उस ट्यूमर को निकाल के बाहर आ जाता है। सो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई। अगर सर बात करें, जैसा आपने बताया कि हर पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे जो हर एक पेशेंट को फेस करने पड़ते होंगे जिनको भी ब्रेन ट्यूमर होता है, तो वो मेन चैलेंजेस क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा मेन चैलेंज ये होता है कि ब्रेन की सर्जरी इटसेल्फ, उसमें उससे रिकवरी होना वो खुद ही बहुत बड़ी चीज होती है, दो चार महीने पेशेंट को बेचारे को उसी में लग जाते हैं। दूसरा मेन होता है खर्चा होता है, बिकॉज आज भी एक्सपेंसिव है सारी चीजें, आज भी आप एक सर्जरी ब्रेन की ट्यूमर ही कराने जाएंगे आप 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट सर्जरी बाई चांस आपका ट्यूमर ऐसा निकलता है जिसमें रेडिएशन की जरूरत है या कुछ कीमोथेरेपी की जरूरत है, तो उसका खर्चा होता है। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बट अगेन अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, आप हिम्मत रखते हैं, तो आप इस सब से निकल सकते हैं। एंड एज आई सेड, 50% ट्यूमर्स तो ऐसे हैं, 60-70% ट्यूमर्स ऐसे होंगे जिनमें आपको एक बार करा और हमेशा के लिए खत्म, फिर दोबारा ना वो होते हैं, ना रेडिएशन का, ना मेनिंजियोमास होता है, एपिडर्माइड्स होते हैं, बड़े सारे टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स का ये नहीं मतलब होता कि सारे ब्रेन ट्यूमर्स जानलेवा है, जानलेवा ट्यूमर्स आप समझ लीजिए 25-30% होते हैं, बाकी ऐसे होते हैं जो ठीक हो सकते हैं, तो उनसे घबराएं नहीं। सर, मुझे आपकी बात से एक चीज मेरे माइंड में, मतलब ये क्वेश्चन आया है, जैसे आपने बताया कि ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाते हैं और दोबारा नहीं आते जी, लेकिन आपने बोला कि ऐसा सब भी नहीं होता, नहीं होता। तो ये चांसेस भी होता है कि ब्रेन ट्यूमर हुआ, ठीक हो गया, उसका इलाज हो गया, सर्जरी हो गई, एंड कुछ टाइम बाद वो फिर से आ रहे हैं, ऐसा भी होता है? जी, सो ब्रेन में मोटा मोटा दो तरह के ट्यूमर्स है, एक तरह के ट्यूमर्स है जो कि रिकर करेंगे, और एक तरह के ट्यूमर है जो कभी नहीं करेंगे, दोबारा नहीं आएंगे। वो हम सर्जरी से पहले ही 90% पेशेंट्स को बता देते हैं कि जी आपका ट्यूमर ऐसा दिखता है और ये आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो जो ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि दोबारा नहीं आने वाले होते हैं, उनके लिए हम बहुत पुश करते हैं पेशेंट को कि आप प्लीज सर्जरी करा लीजिए, बिकॉज आप ठीक हो जाएंगे। जो दूसरी तरह के होते हैं उसमें हमें देखना पड़ता है, मान लीजिए मरीज 70 साल का है, 80 साल का है, और हमें देखने में लग रहा है बहुत हाई ग्रेड ट्यूमर है जो 4 महीने में दोबारा आ जाएगा, तो हम खुद ही फैमिली को मना कर देते हैं कि इनको जितना भी इनका लाइफ है इनको जीने दीजिए, और मतलब सर्जरी करा के भी कुछ बहुत अच्छी थी, फिर वही का मैम उसको पूछता। सर, जैसे आप बात कर रहे थे एक फैमिली सपोर्ट की, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को होता है और वो इतने चैलेंजेस फेस करता है फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, तो एक फैमिली और एक डॉक्टर, एज अ डॉक्टर आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं, या फिर फैमिली किस तरह से सपोर्ट कर सकती है एक ऐसे पेशेंट को? सी, एज अ डॉक्टर तो हम आप यही कर सकते हैं कि हम उन्हें मोटिवेट कर सकें, हम उन्हें समझा सकें, हम उन्हें एग्जांपल दे सकें। मैं कई बार अपने पेशेंट्स को नंबर्स देता हूँ दूसरे पेशेंट्स के जो ठीक हुए हैं, कि आप देखिए उनसे सीखिए, वो लोगों ने मेहनत करी, वो बिल्कुल ठीक है, आज नॉर्मल लाइफ में है। एज अ फैमिली क्या होता है, मैं कई बार पेशेंट्स को बाहर भेज कर उनकी फैमिली को समझाता हूँ,
प्लीज इनको ना टोंट मत मारिए, देखो तुम तो बैठे हो, तुम तो बेकार हो गए, तुम तो कुछ काम के नहीं बचे, बिकॉज दैट डीमोटिवेट्स, बिकॉज उसको टाइम लगता है निकलने में. सो दैट फैमिली सपोर्ट नहीं, आप अच्छे हो जाओगे, डॉक्टर साहब ने बताया आप अच्छे हो जाओगे, आप हिम्मत करो. जैसे किसी का हाथ पैर कमजोर हो गया, उसको मोटिवेट करना कि नहीं आप चलो हम आपको पकड़ के चला रहे हैं. क्योंकि देखिए आप घर में फिजियोथेरेपिस्ट भी बुलाएंगे, वो एक घंटा आके चला जाएगा, उसके बाद तो फैमिली है ना जो कंधा पकड़ के चलाएगी. तो वो फैमिली सपोर्ट नीरो के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है. सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ब्रेन ट्यूमर आप देखते होंगे कि होता है जिसको भी, तो एक जो ये प्रोसेस होता है कि ब्रेन ट्यूमर पता लगा, उसके बाद उसका इलाज हुआ, उसके बाद वो ठीक हुए, तो ये पूरा टाइम पीरियड जो है वो कितना रहता है एक इंसान के लिए, या फिर ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट? मैम ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बिकॉज देखिए हमारे यहाँ पे दो इश्यूज हैं. एक इशू तो ये है कि एक पेशेंट आता है, उसको पता चलता है ब्रेन ट्यूमर है, वो कहता है मेरे जल्दी से इलाज कराओ, मुझे ठीक करा दो. एक दूसरे ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कहते हैं अरे हमें हो गया, अरे यार ये क्या हो गया. जब पहले एक महीना तो वो सोचते रहेंगे हमारे साथ क्या हो गया, देन दे विल गो टू बनारस, फिर हरिद्वार, फिर कहीं पे जाएंगे, कुछ पूजा करेंगे, कुछ करेंगे. ये एक लॉट हो गया. फिर एक लॉट है मैम थोड़ा सा हमारा, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो हमारे देश में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास पॉपुलेशन बहुत सारी है मैम. वो लोग बेचारे, वो उनको पता लगता है ट्यूमर है, उन्हें समझ नहीं आता कि अब हम कैसे इलाज करें, बिकॉज वो गंगाराम में मैदानता में कहीं पे जाएंगे तो वहां बताया जाता है कि आपको 4-5 लाख का खर्चा आएगा. वो ये सुन के सरकारी में जाते हैं तो सरकारी में कहते हैं हाँ जी 6 महीने साल की वेटिंग है. तो वो बेचारे इसी चक्कर में रह जाते हैं, फाइनली कहीं से पैसे पूसे इकट्ठे करके 6 महीने बाद हमारे पास पहुंचते हैं कि डॉक्टर साहब वहां तो हो नहीं पा रहा है, ये हमने कुछ पैसे इकट्ठे करे, आप इस तरह से करा दीजिए. सो डिले एक्चुअली इस वजह से होता है. फाइनेंशियल इज अ बिग थिंग एक्चुअली इंडिया में बहुत है, मतलब वो सच बात है, कहाँ से लाएगा बेचारा आदमी. इंश्योरेंस अब लोगों ने कुछ कराने शुरू करे हैं जी, पहले तो इंश्योरेंसेस कोई कराता ही नहीं था. सर, जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की, तो ब्रेन ट्यूमर ही ब्रेन कैंसर होता है या फिर ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर एक अलग अलग चीज है? तो एज आई सेड ब्रेन ट्यूमर ग्रॉसली दो तरह के होते हैं. तो जो ट्यूमर्स रेकर करते हैं, बार बार आते हैं, उन्हें आप ब्रेन कैंसर वर्ड यूज कर सकते हो, जो कभी नहीं आते वो नहीं होते. सो ये आप मोटा मोटा आधा आधा मान लीजिए, मतलब होते हैं. एंड बट ब्रेन के ट्यूमर्स कभी भी बॉडी में नहीं रहते. सो कैंसर वर्ड हम कैसे यूज करते हैं कि हमारे को लंग का कैंसर हो गया, ब्रेन में पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया. ब्रेन का ट्यूमर ब्रेन में ही रहता है, बाहर नहीं. सर, कोई ऐसे मिथ्स या फिर मिसकंसेप्शन है ब्रेन ट्यूमर को लेकर जो आप बताना चाहेंगे? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया अब ये मतलब खत्म है, अब ही कैन नॉट लिव. ये सबसे बड़ा मिथ है. प्लीज, ये साइंस हैज इवॉल्व्ड, नए नए इक्विपमेंट आ गए हैं, मेडिसिन नई नई आ गई हैं, सर्जरी के तरीके नए नए आ गए हैं, बहुत एडवांसमेंट हो चुका है. प्लीज़ किसी को भी ब्रेन ट्यूमर हो गया इसके लिए उसे मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. उसका एक बार जाके आप किसी भी अच्छे अस्पताल में, गवर्नमेंट प्राइवेट जहाँ अच्छा लगे, बट थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल, बिकॉज छोटे हॉस्पिटल में नहीं हो पाता, प्लीज़ एक ओपिनियन जरूर लीजिए, वहाँ के डॉक्टर से डिस्कशन जरूर कीजिए. और अगर वो डॉक्टर ये कहते हैं कि हाँ जी इसका इलाज हो सकता है, तो प्लीज़ अगर आप करा सकें तो ज़रूर करें. चाहूंगी कि आप कुछ एडवाइस या सजेशन हमारे जो पेशेंट्स हैं ब्रेन ट्यूमर से उनको कुछ देना चाहे तो, और साथ ही जो और भी ऑडियंस है जो भी सुन रही है उनको अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें. सो मेरी एडवाइस सिर्फ यही है कि अगर किसी को भी भगवान ना करे ये पता लगता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है या उसकी फैमिली को पता लगता है, सबसे पहली बात प्लीज घबराए नहीं. प्लीज एक अच्छे जगह से, एक अच्छे हॉस्पिटल से थोड़ा सा एक बार एडवाइस लेके आए. ये बहुत सारी चीजें आज ट्रीटेबल है, आई वुड से 90% ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रीटेबल टूडे. सो प्लीज ये सोच के छोड़ मत दीजिए पेशेंट को कि नहीं हो सकता. एंड इफ पॉसिबल डिले मत कीजिए, बिकॉज आप जितना डिले करेंगे हमें भी दिक्कत होगी सर्जरी करने में और आपको भी दिक्कत होगी, बिकॉज सर्जिकल रिजल्ट्स उतने खराब होते चले जाते हैं, ट्यूमर्स लो ग्रेड से हाई ग्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं. वी हैव पेशेंट जिनको जब डायग्नोस हुआ था तो लो ग्रेड था, हमने MRI देख के बोला आपका लो ग्रेड है करा लीजिए, वो हमेशा के लिए जिंदगी के लिए ठीक हो जाते हैं.
बट वो 6 महीने बाद जब वापिस आए तो वो ट्यूमर इतने से इतना बड़ा हो गया और वो हाई ग्रेड हो गया था एंड वी कुड नॉट डू मच. सो प्लीज घबराएं नहीं, हिम्मत रखें. ब्रेन ट्यूमर्स आर ट्रीटेबल, बस जस्ट हिम्मत रखें उसको. सर मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस ब्रेन ट्यूमर के बारे में आई है, साथ ही हमारी जो ऑडियंस है उनको भी आज बहुत कुछ पता लगा होगा ब्रेन ट्यूमर के बारे में. एंड इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू, काफी आपने टाइम दिया इसके लिए, बहुत बहुत थैंक यू सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच.